गुड इवनिंग टू ऑल। टूडेज टॉपिक इज़ ई लर्निंग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ई अधिगम की। क्या ई अधिगम या ई लर्निंग की मीनिंग है आपके और क्या इसके करेक्टरिस्टिक हैं। ई लर्निंग की जब हम बात करते हैं तो आप ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, लर्निंग का मतलब सीखना। इलेक्ट्रॉनिक मोड में या ऑनलाइन मोड में सीखना या अधिगम करना। यहाँ पर आप किसी भी लर्निंग कंटेंट को, किसी भी एरिया की नॉलेज को, किसी भी स्किल को ऑनलाइन डेवलप कर सकते हैं। ई लर्निंग का मतलब सीधे सीधे यही, इलेक्ट्रॉनिक मोड में लर्निंग करना या इलेक्ट्रॉनिक मोड में सीखना करना। इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या होगा आपका? नेट हो जाएगा, इंटरनेट हो जाएगा, वेब ब्राउज़र हो जाएगा, आपके वीडियो सॉफ्टवेयर हो जाएंगे और किसी भी प्रकार से जो हम इंटरनेट पे जो नॉलेज को रिसीव करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, या एज ए टीचर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट्स को टीच करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स और टीचर ऑनलाइन इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ई लर्निंग। मतलब ई लर्निंग वह प्लेटफॉर्म है जहाँ पर टीचर स्टूडेंट्स ऑनलाइन मोड में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, वो भी इफ़ेक्टिव वे में। यहाँ पर बच्चों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। ई लर्निंग को हम ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग, वेब बेस्ड लर्निंग, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग भी कह सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि ई लर्निंग क्या है। जैसे आज आप सबको मालूम है कि ई लर्निंग के माध्यम से आप घर बैठे ही देश विदेश किसी भी विश्वविद्यालय से किसी भी कोर्स को कर सकते हैं, जिसके लिए प्रोसेस भी ऑनलाइन होता है, एग्ज़ाम भी आपके ऑनलाइन होते हैं और आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाता है। ऑनलाइन एजुकेशन में क्या होता है, कई तकनीकियों का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो चाहे ईमेल के माध्यम से हो सकता है, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो सकता है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो सकता है, ब्लॉग के सहायता से हो सकता है, या जो आपके टीचर हैं, आप जहाँ से आप एजुकेशन लेना चाहते हैं वो आपको सीडी के माध्यम से, डीवीडी के माध्यम से आपको वो जो कंटेंट मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते हैं ऑनलाइन मोड में। चलिए हम जानते हैं ई लर्निंग के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग इज कॉल्ड ई लर्निंग। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज कंप्यूटर ओरिएंटेड लर्निंग। ई लर्निंग इज यूज्ड इन मैनी वेज। इट इज़ मोर रिलेटेड टू एडवांस लर्निंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एंड लर्निंग मेथड्स आर इंक्लूडेड इन ई लर्निंग। कंप्यूटर नेटवर्क एंड मल्टीपल टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन इट। जब हम बात करते हैं ई अधिगम की, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग की या ई लर्निंग की, तो क्या है, कंप्यूटर के द्वारा, नेटवर्क के द्वारा प्रमोट की जाती है। अगर इंटरनेट नहीं है तो आप ई लर्निंग को आगे प्रमोट नहीं कर पाएंगे और इसमें पार्टिसिपेट नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट नेसेसरी थिंग है आपकी इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा ही आप ई लर्निंग के किसी भी शेड्यूल में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, चाहे वो आपका ऑडियो मोड हो, चाहे वो आपका वीडियो मोड हो, किसी भी प्रकार का मोड यहाँ पर होना चाहिए। बट इंटरनेट यहाँ पर आपका बेसिक एलिमेंट है। बिना इंटरनेट के आप ई लर्निंग को कंपाइल नहीं कर पाएंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पर ई लर्निंग को कई अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे आपको बताए थे, ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग, वेब बेस्ड लर्निंग, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, ये कई अन्य नाम जो हम जान सकते हैं। ई अधिगम में तकनीकी और अधिगम विधियों को सम्मिलित किया जाता है। तो तकनीकी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और शिक्षण विधियाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे क्लास में टीचर आपको टीच करते हैं, जो टीचिंग मेथड यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सप्लेनिंग मेथड, क्वेश्चनिंग मेथड, या जो भी मेथड होते हैं, यहाँ पर आप एक वर्चुअल क्लास बना के, आभासी क्लास बना के आप फील करते हैं कि टीचर आपके सामने प्रेजेंट है और टीचर फील करता है कि स्टूडेंट्स उसके सामने प्रेजेंट है। तो यहाँ पर एक वर्चुअल रियलिटी का आभास होता है आपको। आप घर बैठे किसी भी टाइम, जिस टाइम आप फ्री हैं, आपके अकॉर्डिंग, आपके नीड के अकॉर्डिंग, आपके टाइम के अकॉर्डिंग ऑनलाइन क्लास उपलब्ध होती है, क्योंकि आप जब चाहें ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं उसको। इसके द्वारा और क्या होता है, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आप जॉब में हैं, आप नौकरी करते हैं या किसी अन्य काम में बिजी रहते हैं और आपको नॉलेज चाहिए, या आपको कोई अपनी नॉलेज को अपडेट करना है, अपनी स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप, या सोसाइटी के हिसाब से खुद को अपडेट रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ऑनलाइन माध्यम से
ई लर्निंग के माध्यम से आप अपने स्किल को डेवलप करेंगे, अपनी नॉलेज को इनक्रीज करेंगे और सोसाइटी में अपने आप को डेवलप दिखाएंगे। और यहाँ पर जो आपके इकोनॉमिकल वीक स्टूडेंट्स होते हैं, जिनके पास पैसों का अभाव है, समय का अभाव है, तो वो ऑनलाइन अधिगम के माध्यम से यहाँ पर भी नॉलेज को, अपने कोर्स को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सिंस 2006 थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड द ऑनलाइन लर्निंग इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इट वाज स्टार्टेड इन ब्रिटेन। टुडे ऑनलाइन लर्निंग इज ऑर्गेनाइज्ड इन मैनी हायर एजुकेशन। ऑनलाइन लर्निंग सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। ई लर्निंग इज मोर इफेक्टिव एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल लर्निंग सिस्टम। अब हम बात करते हैं जो ई लर्निंग 2006 की बात है, 2006 से हज़ारों छात्रों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है फॉर ई लर्निंग के लिए। ई लर्निंग के माध्यम से वो डिप्लोमा, डिग्री या किसी कोर्स को कर सकते हैं। ई लर्निंग का जो प्रारंभ है, जहाँ से ई लर्निंग के डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, तो वो इंग्लैंड की बात करते हैं, ब्रिटेन की बात करते हैं। ब्रिटेन में सबसे पहले ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट आया, ई लर्निंग की क्लासेस स्टार्ट हुई, वर्चुअल लैब, वर्चुअल क्लासरूम की बात की गई। और इस टाइम जो ई लर्निंग का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट चल रहा है, वो चाइना में चल रहा है, लेकिन इंडिया में भी ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट कोई पीछे नहीं है। यहाँ पर ई लर्निंग भी काफ़ी तीव्र तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जैसा आपने देखा होगा कि कोविड-19 कोरोना के टाइम में जो इंडियन सिचुएशन है, यहाँ पर टीचर्स ने अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन टीच किया है, ऑनलाइन मटेरियल प्रोवाइड कराया है, ऑनलाइन बच्चों को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है। तो यहाँ पर भी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है। भारत सरकार ने इसके लिए खुद ऐप कुछ वेबसाइट बनाई है, जिनके माध्यम से आप ऑनलाइन लर्निंग को गेन कर सकते हैं। तो आज अनेक उच्च शिक्षण संस्थाएं ऑनलाइन अधिगम की व्यवस्था करें, तो बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं आपके इंडिया में। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं इग्नू की, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन लर्निंग की बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराई हैं। वो चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, चाहे आपके इंटरनेट के माध्यम से हो, चाहे सीडी के माध्यम से हो, और जो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं वो स्टूडेंट्स के लिए 24 आवर्स अवेलेबल हैं, जब स्टूडेंट चाहें उनको एक्सेस कर सकता है। आभासी कक्षाएँ, वर्चुअल क्लास की भी बात करते हैं। एक जो परंपरागत क्लासेज आपकी चली आ रही थी, ट्रेडिशनल क्लासेज चली आ रही थी, उससे ज़्यादा इफेक्टिव वे में ई लर्निंग को आगे प्रमोट किया गया। कैसे किया गया? यहाँ पर जो कंटेंट प्रेजेंट किया जाता है वो एनिमेशन के फॉर्म में होता है, मल्टीमीडिया के फॉर्म में होता है, ग्राफिक्स की बात कर लेते हैं, पिक्चर्स की बात कर लेते हैं या ग्राफ्स की बात कर लेते हैं, पूरे अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स की नीड को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम कंटेंट को फ्रेम करते हैं, उस कंटेंट को हम बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं मीनिंग की, ई लर्निंग की। तो सबसे पहले उत्तम शिक्षण ही होता है, उसका संपादन कैसे भी किया जाए, मतलब गुड टीचिंग इज गुड टीचिंग नो मैटर हाउ इट्स डन। जब टीचिंग की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल टीचर जैसे क्लास में पढ़ाता है, वैसे ऑनलाइन भी टीचर आपको टीच करता है, उसकी जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी में कोई कमी नहीं आती है। यहाँ पर वो आपकी समस्याओं को और ज़्यादा इंटरेक्ट होता है, और ज़्यादा यहाँ पर जानता है, और आपको दूर, घर से दूर बैठे ही आपकी समस्या का समाधान कर देता है। ई लर्निंग में क्या होता है, फॉर एग्जांपल टीचर लखनऊ में है, कोई बच्चा आपका बस्ती का है, कोई बच्चा आपका फैजाबाद का है, कोई आजमगढ़ का है, कोई कहीं का, तो यहाँ पर एक कोई लिमिट नहीं रही है, कहीं से भी रहकर ई लर्निंग को आप एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं रिमोट एरियाज़ की, जो आपके दूर दराज के क्षेत्र हैं, जहां आने जाने आवागमन के साधन इतने विकसित नहीं हैं कि बच्चे रोज़ स्कूल आ पाएँ या जो नॉलेज लेना चाहते हैं वो स्कूल आ पाएँ, तो ई लर्निंग के माध्यम से जो रिमोट एरियाज़ के स्टूडेंट्स हैं, दूर दराज के स्टूडेंट्स हैं या जो इकोनॉमिकल वीक हैं, वो भी अपनी नॉलेज, अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ ई लर्निंग की। ई लर्निंग इज़ ए न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। इंटरनेट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर द प्रेजेंटेशन एंड द कम्युनिकेशन ऑफ लर्निंग कंटेंट। विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी एन एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कैन क्रिएटेड फॉर लर्निंग। इट प्रोवाइड्स लर्निंग फैसिलिटीज टू द सोसाइटी एंड कम्युनिटी।
जब हम बात करते हैं ई लर्निंग की, तो ई लर्निंग आपका एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो अभी अभी डेवलपमेंटल फेस में चल रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको आगे चेंजेस देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा इजी वे में प्रत्येक व्यक्ति के तक इसकी एक्सेस, इसकी पहुँच पहुँचेगी और सबके लिए ई लर्निंग बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। लेकिन एक बात और, ई लर्निंग की जब हम बात करते हैं तो ई लर्निंग इंटरनेट के बिना अधूरा है। अगर इंटरनेट नहीं है तो ई लर्निंग की हम बात नहीं कर सकते हैं, ई लर्निंग के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से ही हम अपना प्रेजेंट करते हैं, अपने कंटेंट का प्रेजेंटेशन करते हैं स्टूडेंट के सामने, और इंटरनेट के माध्यम से ही हम बच्चों से, स्टूडेंट से कम्युनिकेट होते हैं, बच्चों से हम कन्वर्जेशन करते हैं। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से, जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर स्टूडेंट टीचर एक साथ आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस प्रकार के एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं, स्टूडेंट जिसमें रुचि लें, जो स्टूडेंट्स के नीड के अकॉर्डिंग हो, स्टूडेंट के लिए इफ़ेक्टिव हो और स्टूडेंट के लिए सेल्फ पेस पर बेस हो। नीड की क्या है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के पास जब टाइम की बाउंडेशन आती है, किस टाइम स्टूडेंट्स फ्री है, यहाँ पर जब स्टूडेंट्स फ्री है तब वो ऑनलाइन कंटेंट को एक्सेस कर सकता है अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग। वो अगर किसी बच्चे के पास आर्थिक तंगी है, मतलब इकोनॉमिकल संपन्न नहीं है, तो भी वो भी यहाँ पर ऑनलाइन क्लास को आसानी से ग्रहण कर सकता है। इसके द्वारा विद्यार्थियों के लिए, टीचर्स के लिए एक एप्रोप्रिएट सुटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ पर स्टूडेंट्स, टीचर और जो लर्निंग कंटेंट है उसके बीच में बहुत अच्छे से कोरिलेशन इस्टेब्लिश किया जाता है। चलिए हम बात करते हैं ई लर्निंग की, फिर से आगे मीनिंग को थोड़ा और डीपली समझेंगे। ई लर्निंग इज न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन विच इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल लर्निंग, इट प्रोवाइड्स ए न्यू अरेंजमेंट ऑफ लर्निंग। ई लर्निंग या ई अधिगम एक न्यू कॉन्सेप्ट है आपका, जो परंपरागत शिक्षण विधियाँ हैं उससे भिन्न है। परंपरागत शिक्षण विधियों की जब बात करते हैं तो परंपरागत शिक्षण विधियाँ आपकी स्कूल बाउंड्री तक सीमित हैं। आपकी स्कूल बाउंड्री से बाहर निकलने के बाद आप ट्रेडिशनल मेथड की बात नहीं कर सकते। लेकिन जब हम ई लर्निंग की बात करते हैं तो ई लर्निंग आप ट्रेन में सफ़र करते समय, बस में सफ़र करते समय या कहीं पर भी जब आपको टाइम मिलेगा आप ई लर्निंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, फुली पार्टिसिपेट हो सकते हैं। यहाँ पर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट होकर अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल को बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं। अगला आपका, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ई लर्निंग इज दैट द कंटेंट, द प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ लर्निंग कंटेंट्स इज डन थ्रू इंटरनेट सिस्टम। यहाँ पर जो कंटेंट का हम प्रेजेंट करते हैं, जो ऑनलाइन मटेरियल हम प्रोवाइड कराते हैं, उसके लिए यहाँ पर इंटरनेट एसेंशियल थिंग है। बिना इंटरनेट के हम कंटेंट को डिलीवर नहीं कर पाएंगे, स्टूडेंट से कम्युनिकेट नहीं हो पाएंगे और हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रुक जाएगी। तो यहाँ पर इंटरनेट आपका एसेंशियल एलिमेंट है फॉर किसके लिए, ई लर्निंग के लिए। ठीक है, और जब हम बात कर लेते हैं तो ई लर्निंग या ई अधिगम प्रणाली कोई शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, ये शिक्षा की एक नवीन प्रणाली है जो शिक्षा को सभी के लिए एक समान अवसर प्रदान करती है। उच्च शिक्षा से लेकर आप कोई भी शिक्षा ई लर्निंग के माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। द ई लर्निंग एनवायरनमेंट इज एक्सपेंडेड बाय यूजिंग इंटरनेट इन ई लर्निंग। द लर्निंग एनवायरनमेंट ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट इज एक्सपेंडेड बाय यूजिंग इंटरनेट। दिस एनवायरनमेंट इज स्टूडेंट सेंटर्ड। जब हम ई लर्निंग की बात करते हैं, ई अधिगम की इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो ई अधिगम ई लर्निंग में जो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है वो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स की नीड क्या होता है, स्टूडेंट्स की नीड क्या है, किस समय स्टूडेंट्स को टाइम है, कुल मिलाकर जो इन्वायरमेंट होता है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। जब स्टूडेंट्स चाहें उसमें इन्वॉल्व हो जाए, जब स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं है तो स्टूडेंट्स वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको सुविधा दी जाती है 24 आवर्स आपके लिए ऑनलाइन लेक्चर पढ़े रहते हैं। यूट्यूब की हम बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल की, जूम की बात कर लेते हैं, स्काइप की बात कर लेते हैं, गूगल मीट की बात कर लेते हैं। बहुत से लर्निंग प्लेटफॉर्म हैं आपके लिए, बहुत से लर्निंग ऐप हैं आपके, लर्निंग वेबसाइट हैं आपकी, जो आपको आपके नीड के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट, आपको मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, वो भी बहुत
इफेक्टिव वे में विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन, हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया, हेल्प ऑफ ग्राफिक्स, यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग बहुत रोचकता से पाठ्यक्रम को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करैक्टरिस्टिक की बात करते हैं हम, क्या विशेषताएं हैं आपकी, उन विशेषताओं की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ई अधिगम की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। ई अधिगम शुद्ध सूचना को अभी अपेक्षित व्यक्ति को सही समय पर तथा सही स्थान पर समुचित माध्यम से प्रयोग करने की अनुमति देता है। ई लर्निंग प्रोवाइड्स द पोटेंशियल टू प्रोवाइड द राइट इन्फॉर्मेशन टू द राइट पीपल एट द राइट टाइम्स एंड द प्लेसेस यूजिंग द राइट मीडियम। तो मतलब एक ऐसा माध्यम है जो आपको किसी भी टाइम किसी भी समय जो आप चाहते हैं जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं वो आपको उपलब्ध हो जाता है आपके वन क्लिक पर। करैक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो इसमें क्या है, इन दिस लर्निंग स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एट देयर प्लेस देयर पेस सो कॉल्ड एज सेल्फ पेसिंग। यहाँ पर बच्चे अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग सीखते हैं। फॉर एग्जांपल जो स्लो लर्नर होते हैं तो वो आपका एक वीडियो को बार बार रिवाइंड करेंगे, बार बार प्ले करेंगे, रिवाइंड प्ले करेंगे, जब तक उनको वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तब तक वो बच्चे उसको बार बार प्लेबैक कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग वो वहाँ पर सीख सकते हैं, अपना असेसमेंट वहाँ पर कर सकते हैं। दिस लर्निंग इज सेल्फ डायरेक्टेड, स्टूडेंट सेलेक्ट द कोर्स according to his need, learning mediums, notes is also selected according to needs. जब यहाँ पर हम बात करते हैं ये आपका स्वनिर्देशित होता है, यहाँ पर जो बच्चे जिस कोर्स को चाहें अपने अकॉर्डिंग कंटेंट को चूज़ करते हैं, कौन से मीडियम में उनको पढ़ना है कि हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में, उसका चुनाव करने की स्वतंत्रता होती है यहाँ पर, और वो नोट्स को भी यहाँ पर ईजली रिसीव करते हैं, कंटेंट को ईजली रिसीव करते हैं जिससे कि उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए और ज़्यादा टाइम मिलता है और ज़्यादा अच्छे से वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अब हम बात करते हैं आगे, मल्टीमीडिया इज़ यूज्ड इन ई लर्निंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मेथड्स आर यूज्ड। यहाँ पर जो कंटेंट आपको यूज़ किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, वो मल्टीमीडिया बेस्ड होता है। मल्टीमीडिया का मीन्स जहाँ पर आपके एक सेंस से ज़्यादा सेंस एक्टिव रहती हैं वो मल्टीमीडिया होता है। मल्टीमीडिया इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेज, वीडियो, ऑडियो। तो यहाँ पर जो कंटेंट दिया जाता है फुल ऑफ एनिमेशन, फुल ऑफ इफेक्टिवनेस और अकॉर्डिंग टू योर नीड जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, उसके लिए बहुत से आपके मेथड हैं, बहुत से ब्रॉडकास्ट चैनल हैं आपके। फॉर एग्जांपल वीडियो टूल्स हो जाएंगे आपके, ऑडियो टूल्स हो जाएंगे आपके, सीडीज हो जाएंगे आपकी, आपके पेन ड्राइव्स की हम बात कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से जो विभिन्न वेबसाइट हैं उनकी भी बात यहाँ पर हो जाएगी। ई लर्निंग की बात करते हैं फिर आगे, स्टूडेंट सेंटर्ड है, विद्यार्थी केंद्रित है, स्टूडेंट्स अपने नीड के अकॉर्डिंग इनको सेलेक्ट करता है, ऑप्ट करता है। ई लर्निंग हैज सॉल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल प्रॉब्लम एंड देर इज आल्सो प्रोविजन फॉर ओपन एजुकेशन। ई अधिगम में भौगोलिक बाधाओं का समाधान होता है, मुक्त शिक्षा का भी प्रावधान है। भौगोलिक बाधाओं की जब हम बात करते हैं तो रिमोट एरियाज की बात करते हैं, भौगोलिक बाधाएँ जहाँ रहन सहन जहाँ आवागमन के साधन अब भी सुगम नहीं हुए हैं। हम पहाड़ी एरियों की बात कर लेते हैं जहाँ दूर दराज हैं, उस एरिया की बात कर लेते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। फॉर एग्जांपल असम की हम बात कर लेते हैं जो हमेशा आपका बाढ़ में रहता है। हम पहाड़ की बात कर ले उत्तराखंड की बात कर लेते हैं हम जो पहाड़ी रीजन आपका जो भी है जहाँ पर आने आवागमन के साधन एक गांव से दूसरे गांव जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो वहाँ पर भी लर्निंग जो ई लर्निंग है वो बहुत बून की तरह है, एक वरदान की तरह है जो बच्चों को एक लाइन में बांधे रखता है अपने साथ, उनकी नॉलेज स्किल को बढ़ाता है। ठीक है, ई लर्निंग के उपयोग और प्रक्रिया का क्षेत्र बहुत व्यापक है। यहाँ पर जो ई लर्निंग है आपका वेब बेस्ड लर्निंग है या कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग है या रियल क्लास की हम जब बात करते हैं सबको सम्मिलित किया जाता है। इन माध्यम से पाठ्य वस्तु का संचार किया जाता है, कंटेंट को डिलीवर किया जाता है, किसके द्वारा, इंटरनेट के द्वारा। यहाँ पर ऑडियो विजुअल एड्स की बात हो जाती है, सैटेलाइट के द्वारा, दूरदर्शन पर भी आप देखते हैं, सीडी के द्वारा भी आपको प्रेजेंट कराया जाता है।
फिर हम बात करते हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्लूडेड इन ई लर्निंग, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं क्लास की, फिजिकल क्लास की, स्कूल की बाउंड्री की बात करते हैं, तो क्लास में एक लिमिट रहती है कि 50 स्टूडेंट्स आपके आपके साथ आपकी क्लास में रहेंगे। लेकिन जब हम ई लर्निंग की बात करते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं होता है, आपने जो वर्चुअल क्लासें होती हैं तो आप एक साथ कई स्टूडेंट के साथ कनेक्ट होकर उनको अपनी नॉलेज, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, उनको टीच कर सकते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स का नंबर का कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता, आप आसानी से हर स्टूडेंट्स तक अपनी पहुँच बनाते हैं। ई लर्निंग इज ऑर्गेनाइज्ड ऑनलाइन, स्टूडेंट यूज़ इट अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। अधिगम का आयोजन ऑनलाइन मोड में किया जाता है और छात्र अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं, जब उनके पास टाइम है, जब उनको लगता है कि उनको अधिगम करना चाहिए। लर्निंग इज डेवलप्ड बाई कंप्यूटर, इंटरनेट सिस्टम इज यूज्ड इट। अधिगम आपका जो है ई लर्निंग कंप्यूटर के द्वारा प्रमोट किया जाता है, इंटरनेट प्रणाली का यूज़ करता है, इंटरनेट के बिना ई लर्निंग आपका प्रमोट नहीं हो सकता है। ई लर्निंग इज इकोनॉमिकल एंड रैपिड टू ई लर्निंग, ई अधिगम कक्षा बहुत तीव्र गति से मितव्ययी हैं और तीव्र गति से आपको कंटेंट को पूरा, सिलेबस को पूरा कराती हैं। इसमें छात्रों को अंतःक्रिया का अवसर प्रदान होता है। जब बात करते हैं हम ऑनलाइन मोड की, जब टीचर स्टूडेंट्स आमने सामने हैं तो यहाँ पर इंटरेक्शन भी होता है, आप अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, वहाँ पर टीचर होंगे आपके क्वेश्चन का आपको आंसर देंगे, आपकी हर वे में हेल्प करेंगे, जो आपकी प्रॉब्लम्स होगी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, अगर आपको काउंसलिंग चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। ऑनलाइन पर भी आपको टीचर आपको मोटिवेट करते हैं कि किस तरह से आप अपने कंटेंट को पूरा करें, किस तरह से कंटेंट को आप प्राप्त करें या कंटेंट को अचीव करें। तो क्या होता है, ई अधिगम आपका छात्र केंद्रित है और इसमें अंतःक्रिया भी होती है स्टूडेंट्स के साथ में, ठीक है। ई लर्निंग में क्या हो जाता है, ऑनलाइन लर्निंग भी, ई लर्निंग के भी कई टाइप हैं आपके, ऑनलाइन लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, सिंक्रोनस लर्निंग, असिंक्रोनस लर्निंग, सेल्फ स्टडी, वेब बेस्ड लर्निंग, सीडी रोम, लर्निंग बाय ऑडियो विजुअल टैप्स, इनकी बात हो जाती है ना। तो यही चीज़ें हैं आपकी, आपको ई लर्निंग में सब आगे पढ़ना है। आज की वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में हम बात करेंगे ई लर्निंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और ई लर्निंग के क्या टाइप्स हैं। तो आगे के वीडियो में हम बात करेंगे ई लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स और टाइप्स की। इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं, यहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा।